पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने दैनिक भरोसा टीम से बातचीत करते हुए कहा कि जहां सांसद इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधा, वहीं नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बनाए गए नायब सैनी को बलि का बकरा बनाया गया है और राव इंद्रजीत सिंह अपनी ही बात पर अड़िग नहीं रहे। उन्होंने पिछले चुनाव में ये कहा था कि यह मेरा आखिरी चुनाव है, इसके बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर उन्हें गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाती है तो इस बार लोगों के भारी समर्थन के साथ कांग्रेस को जीत दिलाएंगे, क्योंकि भाजपा से हरियाणा की जनता बेहद परेशान और नाराज है, क्योंकि पिछले 10 वर्ष के शासन में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को विकास के नाम पर केवल ठगने का काम किया है। पूरे हरियाणा के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं। महिला, किसान, मजदूर, सभी वर्ग इस भाजपा सरकार से दुखी हैं। इसीलिए हरियाणा में इस बार जनता परिवर्तन के मूड में है और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस भारी मत व समर्थन के साथ जीत दर्ज कर रही है। आपको पता है क्या था? वो तो ठग बंधन था, स्वार्थ की राजनीति थी, पूरा भारी करप्शन था। तहसील में, एक्साइज में, आपके हर महकमे में वो इनके, ये तो कह रहे हैं खुद दुष्यंत जी कि मेरे को इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करके मुझे फेंक दिया है। और मैं समझता हूँ कि अगर इसको पहले तोड़ देते तो बीजेपी बेहतर स्थिति में होती। और ये जो है मिला जुला खेल है, ये मिलके खेल खेला गया है, ये सब ड्रामा हो रहा है ताकि जो है जो इंडिया एलायंस है उसके अंदर जो है वो कुछ सेंध लगा सकें कुछ वोटों के ऊपर, बाकी कुछ नहीं है, सब मिला जुला खेल है। नहीं तो एब्सेंट क्यों हुए? आना था विधानसभा के अंदर, बोलते भाई मेरे में क्या कमी थी, मुझे क्यों अलग कर दिया आप लोगों ने। दुष्यंत चौटाला जी बाहर बोल रहे हैं, अंदर बोलते हैं ना, विधानमंडल में जाके बोलते हैं। राव इंद्रजीत सिंह जी के पास, जो मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ, ना जनता से मिलते हैं, ना जनता के बीच में रहते हैं, ना मेडिकल कॉलेज, ना बस स्टैंड, गुड़गांव का, रेवाड़ी का, धारूड़ा का नहीं बना, सिविल हॉस्पिटल नहीं बना, मेवात में यूनिवर्सिटी बनी, मेवात में रेल की सिटी नहीं बजी, कोटला झील का विस्तारीकरण नहीं हुआ, आपके गुड़गांव में डिफेंस यूनिवर्सिटी नहीं बनी, एम्स का केवल पत्थर रख कर ये कर दिया, मेट्रो का एक पिलर नहीं लगा, केवल जो है एक्सप्रेस हाईवे बनने से वो तो सड़कें बेच दी गई हैं, गांव की सड़कें कब ठीक होंगी? राव इंद्रजीत सिंह जी ये बता दें कि उनने अपनी इस योजना के अंदर कोई कॉलेज खोला हो, कोई मेडिकल कॉलेज खोला हो, कोई अस्पताल खोला हो, जो मूलभूत समस्या है पानी भरने की, जाम की स्थिति के निवारण के लिए राव इंद्रजीत सिंह के पास कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि अब दोबारा से मोदी के नाम से, पिछली बार कहा था मेरा आखिरी इलेक्शन है, ठोककर चाट रहे हैं। राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है, पूरे देश भर में एक अलग जलाई हुई है और उसके लिए 17 तारीख को जो है उसका जो है, आप जानते हैं कि जितने हमारे जो पार्टी है वो उधर ध्यान था और कई प्रदेशों में निकल के गई है, आपके मणिपुर से शुरू होकर महाराष्ट्र में कल 17 तारीख को मुंबई में समाप्त होगी। और राहुल गांधी जी ने हर मुद्दे के ऊपर, चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की बात हो, चाहे MSP की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे महिला उत्पीड़न की बात हो, उन्हें महिलाओं के लिए कितने अभी उन्होंने अब वादे किए हैं कि जितनी भी महिलाएं उनको आधी नौकरी, हम 50% नौकरियां जो हैं हम सेंटर में देंगे, उसकी बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से युवाओं के बारे में बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, MSP की बात कर रहे हैं, किसानों के लिए सब्सिडी की बात कर रहे हैं कि और कितने वादे वो कर रहे हैं कि अगर, लेकिन अभी जनता के ऊपर है, उनको कॉलेज चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, उनको केवल ये एक्सप्रेस हाईवे से बात बनने वाली नहीं है, वो तो बेची जा रही है सड़कें, बेच के तो आप कुछ भी करवा सकते हो। 4 महीने बचे हैं, क्या करेंगे वो 4 महीने में?
अभी 3-4 महीने की आचार संहिता लग जाएगी, 4 महीने बाद चुनाव है। ये तो अगर इतना बढ़िया काम कर रहे थे खट्टर जी, तो उनको बदलने की जरूरत क्या आ गई भाई? उनको उनकी बलि को ली, उनकी बलि ली है। जब राष्ट्रीय चेयरमैन है, अरे एक प्रदेश अध्यक्ष है, मैं तो राष्ट्र जब मेरा नहीं नहीं मैं तो कह रहा हूँ वो तो मुख्यमंत्री हैं, मैं राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ, तो हमारा दर्जा तो बहुत ऊपर है। ये नायब सिंह सैनी की जो वर्किंग पर डिपेंड करेगा, किस तरीके से वो क्या वादा करते हैं, किस तरीके से उनकी, मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहूँगा, लेकिन उनके पास तजर्बा नहीं है, उनके पास जो है अभी इतना समय नहीं है कि वो कुछ कर पाएंगे, केवल जो है चेहरे बदल कर ये दिखाना चाहते हैं कि ओबीसी के ये बड़े शुभचिंतक हैं। क्रीमी लेयर जो है 6 लाख का रखा है, उसमें इनकम भी लगा दी, तो पहला काम जो है नायब सैनी जी ये करते हैं कि ये जो क्रीमी लेयर है इसको 12 लाख पे लेके आए, उसमें किसान की आय ना डाल लें और एम्प्लॉयज की आय ना डाल लें। सबसे पहले तो विद्यार्थी जनगणना करवाएं, ऑर्डर दें कि विद्यार्थी जनगणना में कराऊंगा, ऑर्डर दें कि जो है हम जो इसमें प्रमोशन है उसके अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी को प्रमोशन में देंगे, ओबीसी महिलाओं के लिए लड़ें, 33% आरक्षण की बात करें लेटर में जो है, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने रायपुर अधिवेशन में कहा कि हम महिलाओं को जो है 33% रिजर्वेशन देंगे, तो जो आंकड़े आ रहे हैं 3% सैनी हैं, लेकिन जो सैनी हैं वो हर शहर में बिखरे हुए हैं, थोड़ा कुरुक्षेत्र में कंसंट्रेशन है, लेकिन उनकी आबादी 3% है और पंजाबियों की 9% है, और अहीरों की जो 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 पॉपुलेशन है वो 5% है, और गुजरों की भी इतनी है। तो कहने का मकसद ये है कि जो, लेकिन जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनकी आबादी तो ज़्यादा है, इसलिए उनको आरक्षण हमने 16% दिया था, 11% हमने दिया था, जो BCB के लोग थे BCA को 16% दिया गया था। तो डिपेंड करता है कि वो अति पिछड़ों के लिए क्या करते हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए क्या उनका योगदान रहेगा, 4 महीने में क्या वो रहते देंगे स्कॉलरशिप के अंदर, जो जिस तरीके से ओल्ड एज पेंशन में उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा है कुछ करके दिखाएं, तब पता लगेगा, तभी तो असर पड़ेगा ना। केवल ये कहने से कि मैं OBC हूँ उससे बात थोड़ी करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने जो असंवैधानिक तरीके से जो एक एक्ट पास किया था जिसके तहत जितने भी जो बॉन्ड्स हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड जो लिए गए थे उनके बारे में, उनकी पहचान के बारे में मना किया गया था, उस कानून में ये डाल दिया था। उन्होंने कहा कि ये जो कानून है ये असंवैधानिक है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये कहा था कि वो उसके ब्यौरा दे, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दबाव में आके ये कहा कि हम 30 जून तक देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनकी बात ना मानकर, और आप जानते ही हैं कि डिटेल सारी अब वेबसाइट पर आ गई हैं, स्टेट बैंक ने सब डिटेल ले ली है, उसमें ऐसे ऐसे लोगों का खुलासा हुआ है जो जुआ खेल गैम्बलिंग वाली है, कंस्ट्रक्शन कंपनी वाली है, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो फर्जी कंपनियां हैं, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनका प्रॉफिट ही इतना नहीं है जितना पैसा दे दिया गया है। तो जो एक चेहरा था BJP का, लूटस, वो चेहरा उजागर हो गया है, और अब जो है सुप्रीम कोर्ट को इनको बताना है कि वो पैसा किसने दिया, क्यों दिया, किसका कर्जा कितना माफ किया। आपको पता होना चाहिए इन्होंने पूंजीपतियों को 14 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया, इतने में तो पता नहीं मनरेगा के कितने हमारे गरीब आदमी को रोजगार मिल जाता,
जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और मोदी जी कहते थे खर्ची ना अपने ये खट्टर साहब कहते थे खर्ची पर्ची नहीं चलेगी, जहाँ केवल खर्ची खर्ची चली है। 4.5 साल में अग्निवीर बनकर वापस आ गए हमारे खट्टर साहब भी, और आज जो है जनता को ये समझ लेना चाहिए कि अगर ये सत्ता में रहे और तो यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने इलेक्शन कमीशन में CGI को बाहर करके और अपने मनमर्जी का एक पैनल बना के और जिस तरीके से इन्होंने इलेक्शन कमीशन का नियुक्तियाँ की हैं, उससे साफ आभास होता है कि ये 400 पार का जो खेल करना चाहते हैं उसके लिए पिछले दरवाजे से ही कोशिश करेंगे। लेकिन हमें पूर्ण उम्मीद है एपेक्स कोर्ट के ऊपर, इसके बारे में इलेक्शन कमीशन के बारे में भी पिटीशन डली हुई है, उसके बारे में कुछ वो सही निर्णय देंगे कि आखिर CGI को निकालने का कारण क्या था और नया एक्ट बनाने का मतलब क्या। जब एक जजमेंट आ जाती है उसके बाद आप कानून लेके आओ, इसका मतलब नियत में खोट है।